स्टेशन, ट्रेन, प्लेटफॉर्म देख के बचपन की कई सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। चाहे वो गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाना हो या अपने मम्मी पापा के साथ ट्रेन में सफ़र करके किसी हिल स्टेशन में जाके वहाँ पे मज़े लेने का हो, वो एक अलग ही सुकून हुआ करता था। तो ऐसे ही आज गर्मियों में मैं जा रहा हूँ अपने नेटिव ट्रेन से। और गाइस, आज मैं जा रहा हूँ अपने नेटिव, अपने बेस्ट फ्रेंड बोलो तो अपने भाई की शादी में। एंड मुझे लगा कि द बेस्ट वे टू कम्यूट इज बाय ट्रेन, तो आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रेन जर्नी पे लेके जाना चाहता हूँ। गाइस, आज हम ट्रैवल करने जा रहे हैं इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन, दैट इज दुरंतो एक्सप्रेस में। चलिए आइए मेरे साथ इस छोटी सी जर्नी में और मैं आपको दिखाता हूँ हाउ इज द ट्रैवल। मैं इस ट्रेन के सेकंड एसी से ट्रैवल कर रहा हूं और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है। ये जो ट्रेन है ये यशवंतपुर से हावड़ा तक जाती है, बट मुझे बीच में भुवनेश्वर में उतरना है। और ये ओवरऑल 22 आवर्स का जर्नी है जो हम लोग अभी यहां पे करने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आते साथ ही पानी बोतल, टॉवल दे दिए, साफ़ सफाई हो गई एंड द हॉस्पिटैलिटी इज़ प्रिटी गुड। तो यहाँ पे सब कुछ क्लीन और अच्छा से रखा जा रहा है, तो दिस इज़ अ गुड थिंग फ्रॉम इंडियन रेलवेज। जस्ट अपने सीट में सेटल हुए थे कि हमारे केटरिंग वाले भैया आके हमसे ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। तो मैंने अपने लिए दोनों टाइम के लिए नॉनवेज ऑर्डर किया। मुझे ट्रेन में जाना और नॉनवेज ट्राई करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आई होप और मैंने फिंगर क्रॉस कर लिया कि शायद इस बार खाना ज़रूर अच्छा होगा। अब जब केटरिंग वाले भैया आ ही गए हैं तो आइए चलिए उनसे एक बार मिल लिया जाए। गाइस, यहाँ पर जो केटरिंग का जो भी काम है ये भैया देखते हैं। एंड भैया आपका नाम? मेरा नाम तारकनाथ शाह। तारकनाथ शाह, और ये बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं आप, और आपका जो सर्विस आप प्रोवाइड किए बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू। गाइस, इन्होंने राइस, चिकन करी, दाल, कर्ड, सोन पापड़ी और रोटी पूरा फुल मील प्रोवाइड किया हुआ है, तो टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। गाइस, खाना बहुत ही डिसेंट था और ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, ऑल इन ऑल ओके। इंडिया का जो ग्रीनरी देखना है ना, तो सीरियसली ट्रेन से सफ़र करना चाहिए। मेट्रो सिटीज़ में ऐसी ग्रीनरी देखने को हार्डली ही मिलती है। अमेजिंग सीरियसली। ग
गाइस हम लोग अपने सबसे पहले डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं जो है रेणु घंटा। तो ये इसका पहला स्टॉप है। तो ये जो ट्रेन है ना बेसिकली टोटल 4 या 5 स्टॉप ही है टिल हावड़ा, जिसमें से एक भुवनेश्वर है, एक रेणुगुंटा है, एक विजयवाड़ा है, एक विजयनगरम है। तो ये सब बेसिकली रात में आने वाले हैं। तो ये जो रेणुगुंटा है इज़ द ओनली स्टेशन विच विल कम ड्यूरिंग डे टाइम। आपको अगर कुछ भी लेना है तो यहाँ पे आप रुक के ले सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट चीज़ जो लगा इस गाड़ी में, इसका बाथरूम बहुत ही नीट एंड क्लीन है एंड वेरी वेल मेंटेन्ड है, जो आप देख सकते हैं अभी। एंड रियली हैट्स ऑफ टू द पीपल हु आर मेंटेनिंग इट रियली। शाम हो चुकी थी और इस बेहतरीन नज़ारे के साथ वक्त हो गया था कि मैं अपना लैपटॉप निकालूं और अपना मूवी स्टार्ट कर दूं। इन ट्रेन जर्नी कि आप नए लोगों से मिलते हैं और उनसे दोस्ती होती है। तो ऐसे ही इस ट्रेन में मुझे राजेश भैया मिले। तो राजेश भैया ये रिज़र्व बैंक में काम करते हैं और उनसे मुझे काफ़ी सारी अच्छी टिप्स मिली हैं और अच्छे नॉलेज मिली हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर मीटिंग एंड विल डेफिनेटली बी इन टच एंड विल डेफिनेटली लाइक बैंगलोर में भी या भुवनेश्वर में भी हम लोग डेफिनेटली मिलते रहेंगे। गाइस आप जो ट्रेन पे जितना जो क्लीन देख रहे हैं, हाँ भैया मैं इनसे अभी मिल रहा था। तो आपका नाम भैया? मिलन दास। तो जो ट्रेन का जो भी अभी क्लीन जब देख रहे हैं जितना भी, तो ये इनका जिम्मेदारी था और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने मेंटेन किया है ट्रेन को। थैंक यू भैया आपको। तो आपको जब भी ट्रैवल वेवल करेंगे तो आपसे ज़रूर मिला करेंगे इसी दौरान। तो थैंक यू भैया। तो काफ़ी अच्छा रहा ये सफ़र। आई होप आपको भी ये छोटे से राइड में काफ़ी मज़ा आया। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।